आज का वीडियो शुरू करने से पहले क्या मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करूं? चलिए करता हूं। तो आई प्रॉमिस यू कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, जो एक ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कि उसे कौन सी स्ट्रेटजी कब ट्रेड करनी चाहिए या कौन सा वीक एनवायरमेंट सही होता है किसी भी स्ट्रेटजी के लिए, तो आज के इस वीडियो में आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सीक्रेट शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप पता लगा पाओगे कि क्या आपको ये स्ट्रेटजी इस एनवायरमेंट में ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, और आपको विक्स देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीमियम देख के और ये बता पाओगे कि क्या ये स्ट्रेटजी मुझे ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। तो ये मैं आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूं। इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। इस वीडियो में आपके साथ जो चीज मैं शेयर कर रहा हूं ये सुपर एक्सक्लूसिव है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वॉचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्प्रेड्स को आपको कब ट्रेड करना चाहिए, क्या वो सही प्रीमियम है जो आपको कलेक्ट करना चाहिए जब आप एक क्रेडिट स्प्रेड को ट्रेड करते हैं। और अगर आपको उस तरह का प्रीमियम नहीं मिलता है तो समझ जाइए कि वो सही इन्वायरमेंट नहीं है उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए। तो आपका जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि विक्स कितनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए, आपका वो कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में दूर हो जाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसे पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो देखिए, बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजी मुझे कब ट्रेड करनी है। अब कौन सी स्ट्रेटजी आपको कब ट्रेड करनी है ये डिसाइड आप किस बेसिस पे करते हो। बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर किसी भी स्ट्रेटजी को ट्रेड करने से पहले सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होता है वोलेटिलिटी। ऑप्शंस की कौन सी स्ट्रेटजी हमें कब ट्रेड करनी है ये हमें बताता है वोलेटिलिटी का लेवल, कि विक्स का लेवल कहां पे है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर आपका वोलेटिलिटी है वो फर्स्ट कंसिडरेशन होना चाहिए। पहले आप वोलेटिलिटी को देखिए कि विक्स कहां पे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी है। अब विक्स का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। विक्स अगर ऑन द लोअर साइड है तो हम डेबिट स्प्रेड्स को ट्रेड करते हैं, जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया, बियर पुट स्प्रेड हो गया, या कैलेंडर स्प्रेड हो गए, डायगोनल स्प्रेड्स हो गए। ये जो स्ट्रेटजीज हैं ये आपको तब ट्रेड करनी चाहिए जब विक्स का लेवल है वो नीचे की तरफ हो, जब विक्स है वो मार्केट में कम हो। वहीं पे अगर विक्स का लेवल है वो मॉडरेट है, विक्स बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, तो उस टाइम पे आपको ट्रेड करनी चाहिए। आयरन कॉन्डोर होगी, आयरन फ्लाई होगी, या रेशियो स्प्रेड्स हो गए, इस तरह की स्ट्रेटजीज हैं, उनको आप मॉडरेट विक्स में ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाई विक्स एनवायरमेंट, कि मार्केट में जब विक्स है, जो वोलेटिलिटी है वो ज्यादा होती है, तब आपको कौन सी स्ट्रेटजीज ट्रेड करनी चाहिए। तो जब मार्केट में विक्स ज्यादा होती है उस टाइम पे आपको ट्रेड करनी चाहिए स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल्स। ये प्योरली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज हैं, ये क्रेडिट स्प्रेड्स होते हैं, ये आपको ट्रेड करने चाहिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी है वो ज्यादा होती है। तो बेसिकली होता क्या है, क्रेडिट स्प्रेड्स हैं ये आपको मॉडरेट टू हाई विक्स में ट्रेड करने चाहिए, वही डेबिट स्प्रेड्स हैं ये आपको लो विक्स में ट्रेड करने चाहिए। अब आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्रेडिट स्प्रेड्स की। अब आपने क्रेडिट स्प्रेड के बारे में यही सुना होगा कि मॉडरेट टू हाई विक्स में ट्रेड करना चाहिए। मैंने भी कई वीडियोस बनाए हैं जिनमें आपको यही बोला है कि विक्स को आप देख के ट्रेड कीजिए, अगर विक्स मॉडरेट टू हाई है तो आपको क्रेडिट स्प्रेड्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गोल्डन इक्वेशन शेयर करूंगा जिसमें सिर्फ आपको प्रीमियम्स को देखना है, आपको विक्स देखने की जरूरत नहीं है। प्रीमियम्स को देख के आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या ये सही टाइम है इस क्रेडिट स्प्रेड को इनिशिएट करने का। तो एक तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट स्प्रेड्स को आपको कब ट्रेड करना चाहिए और आपको प्रीमियम्स को किस तरह से देखना है, आपका प्रीमियम्स का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर आपको उतना प्रीमियम मिलता है तो आप उस क्रेडिट स्प्रेड को ट्रेड कीजिए, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट रूल ऑफ थंब ये होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए करना क्या है, मान लीजिए आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करते हो। तो आयरन कॉन्डोर क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रेडिट स्प्रेड्स, एक बुल पुट स्प्रेड होता है, एक बियर कॉल स्प्रेड होता है। जब बुल पुट स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो जो स्ट्रेटजी बनती है उसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको डेल्टा को देख के किसी भी क्रेडिट स्प्रेड को ट्रेड करना है। मान लीजिए आप 15 डेल्टा के लेवल पे एक क्रेडिट स्प्रेड को इनिशिएट करते हैं, एक बुल पुट स्प्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो 15 डेल्टा का मतलब क्या हो गया, आप 15 डेल्टा पे गए और देखिए ये 15 डेल्टा का लेवल है 17400, यहां का एक पुट ऑप्शन आप सेल कर रहे हो और उससे नीचे जाके और एक ऑप्शन आप बाय कर रहे हो, एक हेज आप बाय कर रहे हो। अब लेट से आप जो विड्थ रख रहे हो वो विड्थ आपके 200 पॉइंट की है, तो आप 17400 से 200 पॉइंट नीचे जाते हो और 17200 का एक पुट ऑप्शन आप बाय कर लेते हो, इसका एक लोट आपने बाय कर लिया। तो ये आपने एक बुल पुट स्प्रेड को ट्रेड कर दिया जो कि क्रेडिट स्प्रेड है। तो देखिए यहां पे आपने क्या किया है, 17400 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया है और 17200 का एक पुट ऑप्शन आपने बाई कर लिया है। तो आपके स्प्रेड की विड्थ है ये कितनी होगी, 200 पॉइंट्स की, और आपने जो 17400 का पुट ऑप्शन सेल किया है ये कितने डेल्टा पे सेल किया है,
15 डेल्टा पे। तो अब यहाँ पे आपकी गोल्डन इक्वेशन क्या होनी चाहिए, आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये गोल्डन इक्वेशन ये है कि जिस डेल्टा को आपने सेल किया है, यहाँ पे 15 डेल्टा मैंने सेल किया है, दैट मल्टीप्लाई बाय जो आपकी विड्थ है कि आपके क्रेडिट स्प्रेड की विड्थ कितनी है। तो डेल्टा जो मैंने सेल किया है वो 15 है और विड्थ कितनी है 200 पॉइंट्स की। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 आपका डेल्टा है और 200 है ये आपके क्रेडिट स्प्रेड की विड्थ है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 आप कीजिए, ये कितना आ जाता है 30। 15 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 आ जाता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ये है कि इस क्रेडिट स्प्रेड को आप ट्रेड तब कीजिए जब आपको मिनिमम इसमें 30 रुपए का क्रेडिट मिल रहा हो। अगर 30 रुपीज का क्रेडिट आपको मिल रहा है तो ही आपको इस ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए, अदरवाइज ये सही टाइम नहीं है इस ट्रेड को इनिशिएट करने का। और यहाँ पे हमें कितना क्रेडिट मिल रहा है वो देख लेते हैं। 17400 का जो पुट ऑप्शन है ये मैंने 35 रुपीज में सेल किया है और 17200 का पुट ऑप्शन है जो मैंने बाय किया है ये 21 रुपीज में मैंने बाय किया है। तो यहाँ पे कितना क्रेडिट मैंने रिसीव किया है 14 रुपीज का। और आइडियली आपको करना कितना चाहिए 30 रुपीज का। क्यों? क्योंकि मेरे क्रेडिट स्प्रेड की विड्थ है ये 200 है और यहाँ पे मेरा डेल्टा क्या है, जो सेलिंग स्ट्राइक है उसका डेल्टा क्या है 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 जो मेरी क्रेडिट स्प्रेड की विड्थ है, तो डेल्टा मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड। तो स्प्रेड की विड्थ है वो 2 है, डेल्टा वो 15 है, तो 15 × 2 = 30। तो यहाँ पे मुझे 30 रुपए का क्रेडिट कम से कम रिसीव करना चाहिए। हाँ, 30 का थोड़ा बहुत कम हो सकता है, इट कुड बी 27-26, अगर उतना भी आपको मिल रहा है तो वो आप ले लीजिए, लेकिन उससे नीचे है तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करते हो तो अब आपको विक्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस तरह का प्रीमियम तभी मिलेगा जब मार्केट में विक्स है वो ऑन द हायर साइड होगी। अगर विक्स ऊपर होगी तो आपको प्रीमियम मिलेगा, अगर ये प्रीमियम नहीं मिल रहा है तो इट इज अ बिग नो, आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड नहीं करनी है। अब करंट मार्केट की अगर मैं बात करूं, अभी अप्रैल की सीरीज चल रही है और आज जो डेट है वो 12 अप्रैल है, तो 12 अप्रैल के दिन आप मार्केट में जाके विक्स का लेवल चेक कीजिए, विक्स ऑन द लोअर साइड है, विक्स 11-12 पे ट्रेड कर रहा है, तो विक्स है ये काफी नीचे की तरफ है। यहाँ पे आपको क्रेडिट स्प्रेड्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि विक्स कम है, और विक्स कम है इसीलिए इस क्रेडिट स्प्रेड में आपका जो प्रीमियम है वो कितना है, सिर्फ 14 रुपीज का। आपको सिर्फ 14 रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे मिला है, जो कि 15 डेल्टा पे 25-30 रुपीज का होना चाहिए था, लेकिन उससे काफी ज्यादा कम है। इस वजह से आपको इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये आपको कौन बता रहा है? खुद प्रीमियम। प्रीमियम जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो सिर्फ 14 रुपीज का है, जबकि जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे जो प्रीमियम है वो 25-30 के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो प्रीमियम हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए जो विक्स एनवायरमेंट होना चाहिए वो नहीं है। और अगर आप विक्स को देखोगे तो यू विल गेट टू नो कि विक्स है वो ऑन द लोअर साइड है, विक्स 11-12 के लेवल पे ट्रेड कर रही है, और 11-12 का जब लेवल होता है वो सही टाइम नहीं होता है क्रेडिट स्प्रेड को ट्रेड करने का। वहां पे आपको डायगोनल्स या कैलेंडर्स को ट्रेड करना चाहिए या डेबिट स्प्रेड्स को आपको ट्रेड करना चाहिए, लेकिन क्रेडिट स्प्रेड के लिए वो एनवायरमेंट है वो सही नहीं है। और वही यहाँ पे हमें प्रीमियम भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम सिर्फ हमें 14 रुपीज का रिसीव हो रहा है, और अगर मैं विक्स का लेवल देखूंगा तो वो भी इसको वैलिडेट करता है कि हाँ विक्स है वो नीचे की तरफ है। तो इस वजह से आपको इस इक्वेशन को फॉलो करना है। अगर आप ये इक्वेशन फॉलो करते हो तो अब आपको विक्स को देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि विक्स 15 पे है क्या मुझे स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, या विक्स 20 पे है या विक्स 10 पे है अब मुझे स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। आप सिंपली प्रीमियम्स को देखिए और आपका जो डेल्टा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपकी विड्थ है। अगर आपका जो प्रीमियम निकल के आता है उतना प्रीमियम आपको उस स्प्रेड में मिल रहा है, दैट मींस ये सही एनवायरमेंट है, आपको स्प्रेड ट्रेड करना चाहिए। और अगर वो नहीं मिल रहा है दैट मींस विक्स का लेवल है वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सही नहीं है, आपको अभी वेट करना है, ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड नहीं करनी है। और ये गोल्डन इक्वेशन क्या है कि आपका जो सेलिंग स्ट्राइक का डेल्टा है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके जो स्प्रेड की विड्थ है उससे। जैसे 200 की विड्थ है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 300 विड्थ है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 500 विड्थ है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। लेट से आप 15 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल करते हो और उससे 500 पॉइंट नीचे जाके और एक पुट ऑप्शन आप बाय करते हो, तो ये आपने एक बुल पुट स्प्रेड को ही ट्रेड किया है और यहाँ पे आपकी विड्थ है वो 500 पॉइंट की है और जो सेलिंग स्ट्राइक का डेल्टा है वो 15 है। तो यहाँ पे प्रीमियम आपको कितना रिसीव करना है इस क्रेडिट स्प्रेड में, 15 जो कि आपके सेलिंग स्ट्राइक का डेल्टा है मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि आपके क्रेडिट स्प्रेड की विड्थ है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मैं करता हूं तो ये आता है 75। तो यहाँ पे आपको 75 रुपीज का क्रेडिट रिसीव करना है। नाउ इट कुड बी 70 ऑल्सो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आपका जो क्रेडिट है वो 70-75 रुपए होना चाहिए। अगर उतना क्रेडिट आपको मिल रहा है स्प्रेड में तो आपको ट्रेड करना चाहिए,
अदरवाइज वो सही इन्वायरमेंट नहीं है उस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने का। तो अब से आगे आपको सिर्फ विक्स को नहीं देखना है, आप प्रीमियम्स को देखिए और प्रीमियम्स खुद आपको बताएंगे कि इस इन्वायरमेंट में आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए या नहीं। और इस इक्वेशन को मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, इक्वेशन क्या है, डेल्टा ऑफ द सेलिंग स्ट्राइक मल्टीप्लाई बाय द विड्थ ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड, कि क्रेडिट स्प्रेड की जितनी विड्थ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डेल्टा है आपके सेलिंग स्ट्राइक का। सेलिंग स्ट्राइक का डेल्टा है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 15 के आसपास रखिए, और उसके नीचे आपकी विड्थ क्या रखते हो, 200 पॉइंट रखते हो, 300 पॉइंट रखते हो, उतने से आपको मल्टीप्लाई कर देना है उस डेल्टा को। और जो अमाउंट आपकी निकल के आएगी, अगर आपको उस क्रेडिट स्प्रेड में उतना प्रीमियम मिल रहा है तो ही आप उसको ट्रेड कीजिए, अदरवाइज उसको आपको ट्रेड नहीं करना है। चलिए, तो ये है वो गोल्डन इक्वेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है। और जब भी आप क्रेडिट स्प्रेड्स को ट्रेड करो तो बेसिकली आयरन कॉन्डोर है, आयरन कॉन्डोर मान लीजिए आप ट्रेड करते हो, जो कि काफी पॉपुलर स्ट्रेटजी है, अगर आप एक आयरन कॉन्डोर को ट्रेड करते हो तो इस रूल को आप अप्लाई कीजिए। आप ये मत देखिए विक्स कहां पे ट्रेड कर रही है, आप ये देखिए कि आयरन कॉन्डोर में आपका जो प्रीमियम है क्या वो डेल्टाज के साथ इस इक्वेशन में मैच हो रहा है, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम निकल के आ रहे हैं क्या उतना प्रीमियम मुझे इस आयरन कॉन्डोर में मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप उसको ट्रेड कीजिए, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उस ट्रेड में वो ऊपर जाएगी अगर आप इस इक्वेशन के इनलाइन प्रीमियम्स को रिसीव करते हो। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो इक्वेशन मैंने आपको बताई है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रीमियम्स मिलना काफी मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको रोज रोज उस तरह के प्रीमियम्स मिलेंगे, मार्केट में जब वोलेटिलिटी ऊपर की तरफ होगी उसी टाइम पे आपको प्रीमियम्स मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी इस एग्जांपल में दिखाया, वोलेटिलिटी है वो अभी नीचे की तरफ है, वोलेटिलिटी काफी डाउन है, इस वजह से जहां पे मुझे 30 रुपीज का क्रेडिट मिलना चाहिए वहां पे सिर्फ 14 रुपीज का क्रेडिट मिल रहा है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रीमियम्स है वो आपको रोज रोज नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इक्वेशन के इनलाइन प्रीमियम्स को कलेक्ट करते हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ऊपर जाएंगी। चलिए, तो अब आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए मार्केट में जो वोलेटिलिटी है वो ऑन द लोअर साइड है, विक्स का लेवल है वो काफी कम है। तो इस तरह के विक्स एनवायरमेंट में, अभी जो विक्स एनवायरमेंट है इसमें सबसे ज्यादा रिलेवेंट स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वह कैलेंडर और डायगोनल स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड्स हैं वो इस विक्स एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा रिलेवेंट स्ट्रेटजी है, और इसीलिए इस कमिंग संडे को मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं जो कि होने वाला है कैलेंडर स्प्रेड्स के ऊपर। और ये वेबिनार है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि कैलेंडर स्प्रेड्स हैं वो लो विक्स एनवायरमेंट में क्यों ट्रेड करने चाहिए, वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होती है और किस तरह के एडजस्टमेंट हम वहां पे कर सकते हैं। तो ये वेबिनार है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, कमिंग संडे को मैं कंडक्ट करूंगा। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो, ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप अपने डिटेल सेंड करके और इस वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, जस्ट रजिस्टर फॉर इट। और ये वेबिनार है संडे को होगा, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। तो चलिए, अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।